हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कृष्णा धर्मा, डायरेक्टर ऑफ केके हॉस्पिटल ग्रेट हूँ। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी प्रॉब्लम्स और उनके इलाज को बताने वाले चैनल पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पीआईबीडी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो छल्ले सरकते हैं उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। एमआरआई में वो कैसे दिखता है, वो 2D डायग्राम में कैसे दिखता है, वो मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3D के अंदर या एक्चुअली बॉडी में ऐसा क्या होता है जो डिस्क के अंदर आपको होता है या फील होता है, और इसका क्या इलाज होता है, क्या इसका प्रोग्रेशन होता है। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक स्पाइन का मॉडल है। ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसे 32 हड्डियाँ होती है, 7 आपके सर्वाइकल में होती है, 12 थोरेसिक में होती है और 5 आपके लंबर पार्ट में होती है, 4 सैक्रम में और 4 कोडल के अंदर। इस तरीके से टोटल 32 हड्डियाँ होती है। जो डिस्क की ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो सर्वाइकल में आती है और लंबर में आती है, क्योंकि ये दोनों हिस्से में मूवमेंट ज़्यादा होती है। लंबर में इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि जो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहती है बॉडी की, वो L5-S1 के बीच में रहती है। इस हिस्से के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कभी भी अगर जैसे कोई पेशेंट भारी वजन उठाते हैं, उनको कुछ चोट लगती है, वो गिरते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा प्रेशर में आता है। और इसी की वजह से जो सबसे कॉमन साइट है इंजरी की वो है L2, L3, L4, L5। तो यहाँ के ऊपर जो डिस्क है वो बड़ी जल्दी से बाहर निकलती है। तो देखिए थोड़ा सा, तो दोस्तों ये लंबर पार्ट है, तो इसका जो डिस्क का नाम होता है वो एक हड्डी ऊपर और एक हड्डी नीचे कैसे होता है। जैसे मानो इस वाले डिस्क की अपन अगर बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर जैसे ये L3 है तो नीचे L4 है, तो इसके डिस्क का नाम हो गया L3 L4। जब MRI में अपन देखते हैं तो हर डिस्क को L3 L4 या L2 L3 के नाम से अपन बताते हैं। तो अपन अभी बात करते हैं डिस्क हर्निएशन क्या होता है। तो दोस्तों, जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक छल्ला दिखाई देगा दो वर्टिब्रा के बीच में, तो ये जो आपकी वर्टिब्रा है ये आपकी पीछे की तरफ से बाहर निकल जाती है, इसका जो साइट है वो आपकी बदल जाती है। होता क्या है कि जो डिस्क है ये टूट जाती है, और टूट के और बाहर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपका इस पीछे की तरफ हिस्से में आके पूरा फंस जाती है। ये न्यूरल फोरामिना होता है जहाँ से ये नर्व है, पीले कलर की जो आपकी नस दिख रही है ये रिलीज होती है, बाहर निकलती है। तो ये जो डिस्क है ये आपके इस नस को पूरा दबा देता है, और इसी से ही सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है। जब डिस्क बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं प्रोलैप्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क या छल्ले का बाहर निकल जाना। लेकिन जब ये डिस्क इस नस को दबा देता है तो ये न्यूरोपैथी क्रिएट कर देती है। इससे फिर आपके पैरों में दर्द आने लग जाएगा और वीकनेस आने लग जाएगी, पैरों में झंझनाहट, वाइब्रेशन, इस तरीके से पेशेंट कंप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो आदमी ने बताया वो डिस्क को कैसे बाहर निकलती है और इसमें किस तरीके से नस दबती है, इसके बारे में बताया। आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सर्जरी के जब इलाज करते हैं तो क्या करते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।